सोनालिका ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े शोरूम की सौगात जिले के सम्मानी किसानों को दी जा रही है। निवेदक पूनम बीरेन पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रेरूप सागर। केटसाना अंतर्गत बरखेड़ा खुमान में शासकीय रास्ते पर से हुए विवाद में दो पक्ष एक दूसरे से उलझ गए, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी और पत्थरों से मारपीट कर डाली, जिसमें एक व्यक्ति सहित एक बच्ची घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने गांव के सहायक सचिव सहित आधा दर्जन लोगों पर उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामला चल रही है कि घर पे मतलब जो सरकारी गेट थी रास्ता, तो उस पे से हम लोग निकलते थे, तो वो लोग मना कर रहे कि यहाँ से नहीं निकलोगे। वहाँ पे एक फर्सी रखी हुई थी जिससे हम लोग क्वालिटी सोचती थी निकलने में, तो हम लोग ने वो फर्सी हटा के रख दी। तो धनीराम, तुलसीराम, अमित सचिव, ग्राम सहायक सचिव अमित और राम रतन और दुर्गा प्रसाद और रामू, दुर्गा प्रसाद का लड़का रामू, अनंत राम, इन सब ने लठिया उठा के मारपीट की। किसके साथ मारपीट की? हमारे पिताजी के साथ की। क्या नाम है पिताजी? पिताजी के नाम है सुरेंद्र हरवार और हमारी छोटी सी बहन है जो छोटी वाली, तो उसके लिए पैर में ईट मतलब ईट की बारिश की उन्होंने ईट मारी तो उसको लग गई पैर में, पांव टूट गया। हालत कैसी है? हालत तो अभी तो सही है लेकिन पांव टूट गया है उसका। पिताजी तो एक्सपायर हो चुके हैं। तो वहीं पुलिस इस मामले की जानकारी लगने के बाद मारपीट का अपराध कायम कर जांच में जुट गई है और मारपीट में घायल की मौत की क्या वजह है उसकी भी तफ्तीश की जा रही है। देखा जाए तो पुलिस इस मामले में झगड़ा होने की बात तो स्वीकार कर रही है, पर मृतक की मौत की वजह हादसे के कारण होने से इनकार कर मामले की जाँच करने की बात कह रही है। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है।